ठीक है साहब, अब हम चलते हैं। अच्छा सुन, किचन में ना वो थोड़ा बहुत खाना रखा हुआ है, कल मेहमान वगैरह आए थे तो खाना बच गया था, डालना तो मुझे कुत्तों के सामने था लेकिन दिमाग से निकल गया, तो एक काम कर वो खाना तू ही ले जा। साहब वो हमें नहीं चाहिए कोई खाना। क्या क्या बोली तू, नहीं चाहिए तुझे खाना? तुझे पता भी है कितने महंगे होटल से मंगवाया था वो, कितना एक्सपेंसिव खाना है, तूने ना अपनी जिंदगी में कभी खाया भी नहीं होगा इतना अच्छा खाना, इसलिए बोल रहा हूँ ले जा, बच गया है और खराब नहीं हुआ है। तुम जैसे लोगों ने ना ना तो कभी इतना महंगा खाना खाया होगा और ना कभी देखा होगा। अरे ले जा, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो भी बेचारे सोचेंगे कि हाँ आज मम्मी ने कितना अच्छा खाना खिलाया, इसलिए कह रहा हूँ जा ले जा खाना। ठीक है सर। ओ हेलो, तुम्हें तमीज नाम की चीज है कि नहीं? कोई तुमको इतना महंगा खाना दे रहा है, कोई फर्ज नहीं है तुम्हारा, ना थैंक यू ना कुछ, इतना एहसान क्या दिखा रही हो? अरे तनिका छोड़ो ना, क्यों इसके मुंह लग रही हो गरीब कहीं की? इन गरीबों की ना ये आदत होती है, जब इनको खाना ना दो तो हाथ फैला के खाना मांगने लग जाते हैं, और जैसे ही इनको खाना दे दो तो फिर नखरे दिखाने लग जाते हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, खाना खराब है। खाना रखा हुआ है, चुपचाप जा और ले जा, समझी? भैंस मत कर। ठीक है साहब। खाने के बाद हम लोग मूवी देखने चलेंगे। हाँ ये भी कोई कहने की बात है, लेकिन इस बार हॉरर देखेंगे। सॉरी काव्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो भाई? साहब वो क्या है ना, आज मेरी बेटी का ना जन्मदिन है, तो हम आज रेस्टोरेंट में ना खाना खाने आए हुए थे। क्या इस रेस्टोरेंट से? क्या हो गया साहब, हम इस रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकते? अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था। और जो मैंने कल खाना दिया था तुम्हें, उसका क्या हुआ? वो साहब वो खाना ना मैंने स्टेशन में एक भूखे आदमी को दे दिया, क्योंकि आज तो हमारा प्लान यहाँ खाना खाने का था परिवार वालों के साथ। लेकिन मुझे लगा तुम गरीब हो, तुम्हें इतना अच्छा खाना नसीब नहीं होता होगा, तो इसलिए मैंने वो खाना तुम्हें दे दिया था, बस और कोई बात नहीं थी। साहब यही तो दिक्कत है आप जैसे अमीर लोगों की, आप लोगों को लगता है कि हम ऐसी जगहों पे आके खाना नहीं खा सकते। हाँ माना साहब कि हम लोग गरीब है और आपकी तरह हफ्ते में 4 दिन यहाँ आके खाना नहीं खा सकते, लेकिन महीने में 1 दिन तो खा सकते हैं ना। हमने तो सिर्फ तुम्हारी मदद करने की कोशिश की थी। छोटा मुँह बड़ी बात मेम साहब, लेकिन कल ना आप मुझे भीख दे रही थी, खाना नहीं दे रही थी, और मदद करने में ना फर्क होता है, मदद मदद के तरीके से की जाती है, और कभी भी ना दूसरे इंसान को नीचा नहीं दिखाया जाता, लेकिन कल जब आपने मुझे खाना दिया ना तो वो मदद नहीं लग रही थी, भीख देना लग रहा था, और मेम साहब मुझे ना किसी की भीख में दी हुई चीज़ नहीं चाहिए। बाकी साहब आप लोग खाना खाइए ना, मैं बाहर आपका वेट कर लूँगी। भाई साहब अगर आप बुरा ना मानो तो ये खाना हम आपको दे दें? अरे भाई साहब इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, आप भीख तो दे रहे हो। अरे नहीं नहीं भाई साहब, वो क्या है ना कि ये खाना बच गया था, तो खाना वेस्ट होने से अच्छा है हमने सोचा कि हम आपको दे दें, हम आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे, आप बस इसको रख लो और खा लेना। ठीक है भाई साहब धन्यवाद। चले नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मैं कुछ आपको बातें बताने या ज्ञान देने नहीं आया हूँ, मैं बस आप सबसे आज बात करने के लिए आया हूँ, क्योंकि ना हम वीडियोस बनाते हैं, आप देखते हो, हमें कुछ नहीं चाहिए बदले में, हम बस ये चाहते हैं कि आप सब वीडियोस को देखो, अपने परिवार को दिखाओ, अपने फ्रेंड्स को दिखाओ, अपनी फैमिली सबको दिखाओ, और हमारे पास प्यारे प्यारे मैसेज करो, हमें बताओ कि हमें कैसा कंटेंट बनाना चाहिए, और कंटेंट हमारा पसंद आया है या नहीं आया, उस पर आपको कितना प्यार आया, मतलब कैसा क्या रिस्पॉन्स है, वो आप सब हमें कमेंट्स में बताओ और प्यारे प्यारे मैसेज करो, हमारे पास यही चाहते हैं हम। और है ना हमारे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज करो कि भाई ऐसे वीडियो बनाओ, अगर आपके पास कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी कंटेंट है, हमारे पास मैसेज करो, हमें बताओ कि हमारे साथ ये हुआ है, ये हुआ है, हम उसी पे वीडियो बनाएंगे, प्रॉपर वीडियो बनाएंगे और वो आप सबको पसंद आएगी। तो जल्दी मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, हमारे पास मैसेज करो इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा पेज के ऊपर, ठीक है? तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, राम राम।